మాటమే ఉన్నదా కొనేరుకోనప్ప అప్పటి మాటమే ఉన్నదా కొనేరుకోనప్ప ये जो ढोल नगाड़े ताशे जो बज रहे हैं ये माहौल जो है तेलंगाना का चुनावी माहौल है और इस वक्त हम जहां पर हैं ये क्षेत्र है विधानसभा सिरपुर कागज नगर। इस क्षेत्र का ये ऐसा गांव है जो कि महाराष्ट्र से लगा हुआ है और महाराष्ट्र की सीमा से लगे इन गांवों में किस तरह से प्रचार प्रसार चल रहा है ये चुनावी माहौल आप तक पहुंचाने के लिए हम यहाँ तक पहुंचे हुए हैं। और ये जो ढोल नगाड़े जो यहाँ पर बज रहे हैं इससे साफ नजर आता है कि इस राज्य में बसपा भी अपना दखल रख ली है। ये कौन सा गांव है? यापलगुड़ा। अच्छा, ये कौन सा किस कॉन्स्टिट्यूशन में आता है? ये सिरपुर में कौटाला मंडल। अच्छा, आप यहीं के रहने वाले हैं? मैं डब्बा, हमारा गांव डब्बा। हिंदी समझ लेते हैं आप लोग? थोड़ा थोड़ा समझते हैं। अच्छा, तो ये इधर तो ये महाराष्ट्र से लगा हुआ इलाका है, मराठी भी बोलते होंगे लोग? हाँ, मराठी भी आता। हाँ, मैं मराठी भी समझ लेता हूँ। क्या इस एरिया में अभी क्या आप तो पूरा प्रवीण सर का ये पूरा लेके चल रहे हैं? हाँ, प्रवीण कुमार सर पक्का। अच्छा, आता इस बार आएगी? हाँ। अच्छा, क्या कारण है, क्यों पसंद करते हैं आप? और पूरा हॉस्पिटल्स स्कूल्स अच्छा करे। अच्छा, तेलुगु में बात करना। मंचिगा डेवलप चेसर सार రెసిడెన్షియల్స్ ఇవి అన్ని రెసిడెన్షియల్లో చదువుకున్నాం. ఆ రెసిడెన్షియల్లో అన్నీ చాలా వరకు బాగు చేసిండు మా చెల్లెమ్మ, మా సిస్టర్ అందరు ముగ్గురు కూడా రెసిడెన్షియల్లో చదువుకున్నాం. మేము రెసిడెన్షియల్లో చాలా బాగా చేసిండు. ప్రతి ఒక్కటి సార్ వస్తే ఏ విధంగా అయినా మంచి జరుగుతుంది. ఎడ్యుకేషన్ ఆసిఫాబాద్ రెసిడెన్షియల్. हाँ, मैं किया। कितना, कौन सी क्लास, कौन सा स्टैंडर्ड? बोल रहे थे कहाँ तक पढ़ाई की आपने? बीए ग्रेजुएट? हाँ, ग्रेजुएट। आप ग्रेजुएट है? हाँ, ग्रेजुएट है। हाँ, ग्रेजुएट है। जॉब क्या क्या है? जॉब नहीं, ओनली स्टडी करना है। डीएड के या मैं डीएससी प्रिपरेशन है। ओके, अभी स्टडी कर रहे हैं? हाँ, स्टडी कर रहे हैं। जॉब में क्या करना चाहते हैं? मैं टीचर। टीचर? हाँ। यहाँ जॉब का क्या पोजीशन है, जॉब मिलते लोगों को इधर? कितना जॉब मिल रहा है? मिल रहा है क्या जॉब? मिलता है ये एरिया लोग दरक जॉब्स। अच्छा, गवर्नमेंट जॉब आते ना दरक है भाई बात। यहाँ क्या क्या किन किन चीजों की डिमांड कर रहे हैं लोग? क्या डिमांड है यहाँ पार्टी में? तीन चार पार्टी है, कांग्रेस, बीजेपी, बीआरएस, टीआरएस। पूरा बीआरएस के एक बीआरएस पार्टी के एक को मदद होंगी। हिंदी नहीं आता तुम तेलुगु में बात कर रहे तो मैं बात कर रहा हूँ। थोड़ा थोड़ा समझ होता, बोलने को नहीं आता। थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं लेकिन बोल नहीं पाते। गांव में हैं हम लोग, ये जो गांव है ये बहुत ही नज़दीक है महाराष्ट्र से। मराठी समझते हैं ये लोग लेकिन मराठी बोल नहीं आता। मराठी आता? हाँ, आप मराठी भी बोल सकते हैं चाहे तो। प्रवीण कुमार सर खचितंगा जिकते। प्रवीण कुमार सर प्रत्येक हमसे एरिया दे, प्रत्येक है एरिया दे कोनप्प सुगम बागु नहीं पड़ा पर प्रवीण कुमार सर खचितंगा बागु पाड़ते। प्रवीण कुमार वर सार वर प्रत्येक लाल नमकम हाई। बीजेपी हमसे एरिया नहीं जीके, टीआरएस ही नहीं जीके। 100% है सारे प्रवीण कुमार सर जीतते खचितंगा। तो ये जो मराठी बोल रहे हैं ये भी तेलुगु मिक्स मराठी है और स्वाभाविक रूप से जो भी बॉर्डर जो एरिया होता है वहाँ पे दोनों भाषाएं मिलके लोग बोलते हैं। और इनका जो सारांश है वो यही है कि इनका कहना ये है कि यहाँ पर बीजेपी भी नहीं और कांग्रेस भी नहीं, कोई भी दूसरी पार्टियां नहीं जीतेंगी। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो बीएसपी के जो आरएस प्रवीण सर हैं यही जीतने वाले हैं। तो खास बात क्या है कि बीजेपी को आप बीएसपी को आप पसंद करते हैं या प्रवीण सर को? प्रवीण के सार को प्रवीण
प्रवीण सर का, उनका काम आपको अच्छा लगता है? हाँ अच्छा लगता है। बीजेपी इधर फर्स्ट टाइम, बीजेपी नुंची निलबड़ना फर्स्ट टाइम, बीजेपी नुंची निलबड़ने वाले इकड़ा एवर लेर इप्पटि वरकु, कांग्रेस उंडे टीआरएस उंडे अंते, बीजेपी लेकुंडे फर्स्ट टाइम। पहली बार यहाँ पर बीजेपी जो है वो यहाँ चुनाव लड़ रही है फर्स्ट टाइम, इसके जो है इसके पहले दूसरी पार्टियां यहाँ पर चुनाव लड़ती है, लेकिन बीजेपी की यहाँ हालत बहुत खस्ता है। ये बताएं कि जो यहाँ पर जो पहले भी बीएसपी के एमएलए रह चुके, बीएसपी पहले एमएलए थे, पहला कोनप्पा फर्स्ट बीएसपी पार्टी नुंची गेलिचिंडु, తర్వాత వేరే పార్టీకి వెళ్ళిండు, కాకపోతే ఇప్పుడు బీఎస్పీ పార్టీ నుంచి మళ్ళా ప్రవీణ్ కుమార్ సార్ వస్తుండు, ఈయన గెలవడం ఖాయం, ఖచ్చితంగా భారీ మెజార్టీతో గెలుస్తాడు। इनका कहना यही है कि चूंकि वो इसके पहले जो कैंडिडेट थे वो बीएसपी से जीते, वो बीएसपी को यहाँ के लोगों ने जिताया, लेकिन बाद में उन्होंने पार्टी बदल ली और फिर वो जो केसीआर की पार्टी है उससे उन्होंने चुनाव लड़ा और इस वजह से लोग उनको अब पसंद नहीं कर रहे हैं, ये उनका कहना है। दर्शकों, हम यहाँ के तमाम जो चुनावी माहौल है वो आप तक पहुँचाएंगे। तेलंगाना में इस वक्त चुनावी माहौल चल रहा है, 30 तारीख को वोटिंग है, लेकिन तब तक के यहाँ पे बहुत सारे समीकरण बन सकते हैं, बिगड़ सकते हैं। आज यहाँ का क्या माहौल है ये आप तक पहुँचाएंगे लगातार, बने रहिए हमारे साथ।